तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसा कि आपको पता ही हुआ कि अभी टूर्नामेंट्स में गॉडलाइक का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसी को लेकर बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि जोनाथन एंड एस पावर को किसी दूसरे लाइनअप की जरूरत है, उनका पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। तो इसी पर आईफ्लिक्स रिप्लाई करते हैं। एंड एस पावर जब ब्लाइंड में थे तब उनका डोमिनेशन देखने को मिलता था, बट जोनाथन भी अपने स्ट्रीम में बताया है कि अभी प्लेयर्स के बीच कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस पर ही बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि एस पावर का ब्लाइंड लीव करना इज अ वर्स डिसीजन। तो इन सभी बातों को आईफ्लिक्स एक्सप्लेन करते हुए रिप्लाई करते हैं, एंड वो क्लिप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Gordon needs a new lineup. Johnny's potential is being wasted as well as Esper's. Well, ये बात तो सही है कि Esper का potential जो है, देखो fact is fact. कुछ लोग मेरे को गालियाँ देंगे इस बात रखने से, but ये fact यही है, सीधी बात यही है कि कहीं ना कहीं Esper जो है fifth man अगर रह जाता blind में भी, तो भी BJS में आगे बढ़ जाता। But Esper क्योंकि वहाँ पे fifth man होने की वजह से, Ben Johnny की वजह से बाहर निकलने की वजह से, Gordon में आने की वजह से, उसको BJS में अभी आगे बढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दस Yeah, I mean that does state, and also not only BGIS now, BGMS was also one thing. BGMS bhi ek, you know, choice tha Esper ko, wo bhi nahi khelne mila, pura finals tak. So yeah, I mean ye ek fact hai, but future mein aise hi rehne wala hai kya? Future mein aise hi maar khane wala hai Esper, because you know of his one decision which he made. Dekhne rehna padega aage ka next tournament mein. Filhal ke liye the stats says that yes, it was a bad decision. तो आपको क्या लगता है, क्या लाइनअप चेंज करना एक सही स्टेप हो सकता है? एंड सरदार जी भी अपने स्ट्रीम में इस पावर के बारे में बात करते हैं, रिप्लाई करते हैं कि डोंट टेक अ राइट डिसीजन, टेक अ डिसीजन देन मेक इट राइट। सो होप तो यही है कि उनका कमबैक हमें जल्दी ही देखने को मिले। एंड फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।